हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 8 लेकर के। पद्य खंड पाठ 8 है हमारा नागार्जुन। नागार्जुन जी के बारे में हम पहले कवि परिचय देख लेते हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म। उनका जन्म सन 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था बच्चों? उनका जन्म हुआ था बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव के अंदर का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम अर्थात इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन नाम इनका कैसे पड़ा? ये यात्री किस्म के थे बच्चों, जो घुमक्कड़ जाति के जो होते हैं ना व्यक्ति होते हैं, ये उस प्रकार के थे। अर्थात ये अपने जीवन में इधर उधर घूमते फिरते हैं और घूम फिर कर अपने जीवन यापन करते हैं। कहने का तात्पर्य इनके जीवन में यात्रा विशेष महत्व रखती है। ये किसी ना किसी स्थान पर यात्रा करते रहते थे और ऐसे ही एक बार ये यात्रा पर श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर के इन्होंने बौद्ध बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त की और बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इनका नाम नागार्जुन पड़ गया और तभी से ये नागार्जुन के नाम से हिंदी साहित्य में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? वैद्यनाथ मिश्र। और नागार्जुन नाम कब पड़ा उनका? बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के बाद में। अच्छा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए और 1936 ईस्वी में ये श्रीलंका जाते हैं और वहीं पर बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली भाषा में मैथिली साहित्य में यात्री के नाम से काव्य रचनाएं की थी। कहने का मतलब उन्होंने जो हिंदी साहित्य था उसमें तो वो नागार्जुन नाम से रचनाएं लिखते थे और जो मैथिली साहित्य था मैथिली भाषा में जो वो रचनाएं लिखते थे वहां पर वो अपना नाम नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र ना लिख करके यात्री के नाम से वो रचनाएं लिखते थे बच्चों, ठीक है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य की विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई और अपनी जो रचनाएं उनको आगे बढ़ाया, विस्तृत किया उनको। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में आपको मिल जाएगा बच्चों। हिंदी साहित्य के अंदर उनकी जो ग्रंथावली है, कहने का मतलब उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं लिखी उन रचनाओं का संकलन अर्थात उन रचनाओं का संग्रहण किस नाम से है? नागार्जुन रचनावली के नाम से है और उसको 7 खंडों में बांटकर उनकी समस्त जो रचना है उनका संग्रहण किया गया है, ठीक है उसका। फिर है उनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनको अपनी मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया बच्चों, ठीक है। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली, ठीक है बच्चों। एक बात और, नागार्जुन जो थे ये व्यंग्य करने में बहुत माहिर थे। इनकी आप जितनी भी रचनाएं पढ़ोगे ना उनमें मोस्टली अधिकतर जो है उनमें व्यंग्य किया गया है। उस समय की जो असामाजिक परिस्थितियां थी या उस समय समसामयिक की जो समस्याएं थी उनके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है। जैसे अकाल में सारस है, या आपने एक पंक्तियां सुनी होगी इनकी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इस तरह की ये कविताएं इनकी बहुत अच्छी है बच्चों, पढ़ के देखना, सर्च करोगे गूगल पे तो मिल जाएगी आपको। इनकी कृतियां देखते हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियां का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओम मंत्र और भूल जाओ पुराने सपने, ये इनकी प्रमुख कृतियों में से कुछ है। अब हम जो कविता पढ़ने वाले हैं या आपके सिलेबस में जो कविता है वो है एक तो कल और आज और दूसरी कविता है इनकी उषा की लाली। तो पहली जो कविता है कल और आज, इसके अंदर वर्तमान में जो ऋतु चल रही है हमारी, कौन सी? वर्षा ऋतु चल रही है। तो वर्षा ऋतु से पहले जो ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आने पर जो परिवर्तन पृथ्वी पृथ्वी पर होते हैं या प्रकृति में जो चीज दिखती है, जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो परिवर्तन वर्षा ऋतु आने पर कैसे बदल जाते हैं या कैसे उन परिवर्तनों पर प्रकृति अपनी छटा बिखेरती है, अपनी सुंदरता बिखेरती है, वो सब इस कविता में दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है कि वर्षा के आने से पहले ग्रीष्म ऋतु में खेत सूख जाते हैं, किसान की उम्मीद बंधी हुई होती है वर्षा से, उसकी जो आशाएं होती है वो आसमान में टिकी हुई होती है, कब काले काले बादल आएंगे, कब वर्षा करेंगे और कब मेरे खेत हरे भरे होंगे। तो वो उसकी जो निराशाएं होती है जो ग्रीष्म ऋतु में
निर्भर होती है वर्षा ऋतु के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु से आगे आने वाली वर्षा ऋतु के ऊपर उसकी सारी की सारी आशाएं निर्भर होती हैं, जो कि कब पूरी होती है, जब वर्षा अच्छी होती है उसके खेतों में, जब वर्षा अच्छी होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो अपने आप वो किसान की जो खुशी है उसके चेहरे पर छलकती है बच्चों, ठीक है। तो कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरुहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मनभावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक अर्थात किसान धूल में स्नान करती हुई गोरैया, गोरैया तुम जानते हो बच्चों, जो चिड़िया होती है ना, स्पैरो बोलते हैं हम जिसको, वो गोरैया होती है। धूल में स्नान करते पक्षी वृंद सूखे खेतों का वीराना उजड़ापन और बद रंग आसमान, जहां एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। एक चीज नोट करना बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है प्रकृति रूपी सुकन्या, तो आपको अलंकार यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों साफ साफ दिया हुआ है कि वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। तो जहां पर रूपी शब्द आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है बच्चों, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रूपी नहीं दिया हुआ तो प्रकृति को सजीव माना गया है यहाँ पर, और नृत्य करती हुई बताया गया, जो चेष्टाएं जो क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं, जब उन्हीं क्रियाओं को जब प्रकृति करती है या प्रकृति को दर्शाया जाता है वो करता हुआ, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है रूपी अलंकार। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। उपादान मतलब प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे उसका साथ देते हुए लगते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है, अर्थात कवि ने ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हुए इस कविता को रोचक बनाने का प्रयास किया है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है, अर्थात उनकी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है यहाँ पे, देशज शब्दों का प्रयोग। तो आपकी कविता कौन सी है यहाँ पर, कल आज और कल। तो यहाँ पर कल किसको दर्शा रहा है, ग्रीष्म ऋतु को, और आज किसको दर्शा रहा है, वर्षा ऋतु को, ठीक है। तो अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, यहाँ पर किसान वर्ग की विशेषता का वर्णन किया गया बच्चों। बच्चों वर्षा ऋतु के ऊपर डिपेंड है पूरी, मतलब वर्षा ऋतु के ऊपर पूरी तरह से आधारित होती है कृषक वर्ग, ठीक है। तो बच्चों वर्षा ऋतु के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है कृषक वर्ग, ठीक है। हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पूरी तरह से, मतलब मोस्टली अधिकतर किस पर डिपेंड है, कृषक वर्ग पर, कृषि के ऊपर डिपेंड है। और कृषि किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि किसके ऊपर आधारित है, वर्षा के ऊपर। अब वर्षा ऋतु में वर्षा आएगी तो कृषि अच्छी होगी ना, तो वही चीज यहाँ पर कवि ने दर्शाई है कि कैसे ग्रीष्म ऋतु में जब चारों ओर सूखा ही सूखा होता है, पानी की कमी होती है, चारों तरफ पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ होता है, उस समय पर अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती है कि खेतों को सूना देख करके क्या हो रहा है, किसान वर्ग जो है, जो किसान है अपने खेतों को सूखा देखता है, वहां पर फसल की कोई कंडीशन ही नहीं होती है उगाने की, सूखे के अंदर कौन फसल उगाएगा बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में किसान गालियां देते हैं, किसे, ईश्वर को गालियां देते हैं, मतलब ईश्वर को कोसते हैं कि वर्षा ऋतु को आने में कितनी देर है, और अगर वर्षा ऋतु नहीं आएगी तो हमारी खेती नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो कृषक वर्ग है, जो किसान है, अपने सूने खेतों को देख करके ईश्वर को कोस रहा है। धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। जो गोरैया चिड़िया होती है, वो चिड़िया जो होती है बच्चों, वो ग्रीष्म ऋतु में जब आंधी चलती है या धूल जो होती है वो मिट्टी में गोते लगाती है, ठीक है। वो अपनी जो प्यास होती है या अपनी जो तृष्णा होती है उसको किससे बुझाती है, वो मिट्टी के अंदर या रेत के जो टीले होते हैं उनके अंदर वो गोते लगाती है, उनके अंदर अपने आप को धूल में नहलाती हुई इससे प्रतीत होती है। उसको पानी तो मिलता नहीं बेचारी को, तो वो क्या करती है, धूल के अंदर अपने आप को शांति या धूल के अंदर वो नहाती है। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी,
वर्षा ना होने से या ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी से जो खेत की मिट्टी होती है वो जगह जगह से पथराई हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है मिट्टी के अंदर। पानी की कमी के कारण क्या हो जाता है, उसकी जो धरती होती है, वो जो मिट्टी होती है खेत की, वो जगह जगह से फट जाती है। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। जो मेंढक होते हैं, आप अब जो वर्षा ऋतु चल रही है, इस वर्षा ऋतु में आपको जगह जगह मेंढक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या ग्रीष्म ऋतु में आपने मेंढक देखे हैं बच्चों? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि कवि यहाँ पर बता रहा है इस चीज को कि वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु के अंदर भीषण गर्मी के अंदर जो मेंढक होते हैं वो धरती की गोद में जाकर के छिप जाते हैं, और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, जैसे ही वर्षा का आगमन होता है, वो मेंढक वापस बाहर निकल आते हैं। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, जो आसमान काले काले बादलों से घिरा रहता था, ग्रीष्म ऋतु के अंदर आसमान बिल्कुल साफ रहता है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आसमान भी उदास है और बदरंग सा महसूस हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई बादल नहीं है, किसी प्रकार की कोई रौनक नहीं है आसमान के अंदर। जब बादल आ जाते हैं तो बादलों के साथ साथ में आपने देखा बच्चों इंद्रधनुष भी आता है वर्षा ऋतु के अंदर। तो बादल जो है ग्रीष्म ऋतु के अंदर कैसा लग रहे हैं? बदरंग लग रहे हैं, उदास लग रहा है पूरा का पूरा आसमान। अब ग्रीष्म ऋतु निकल गई, ग्रीष्म ऋतु निकलते ही क्या आ गई बच्चों? वर्षा ऋतु आ गई। तो बीते हुए कल में कवि ने वर्णन किया है ग्रीष्म ऋतु का, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। यहाँ पे तंबू से प्रतीत होता है बादल। तंबू यहाँ पे किसके किसके चिन्ह है या किसके साइन है यहाँ पर प्रतीक है? बादल के। आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, कहने का मतलब आज आसमान के अंदर क्या आ गए? तंबू लग गए हैं तुम लोगों के, बादल रूपी तंबू लग गए। और आज चमका रही है पावस रानी, और पावस रानी यानी वर्षा रानी क्या चमका रही है? वर्षा की बूंदे चमका रही है, ठीक है? तो पावस रूपी रानी यानी वर्षा रूपी रानी जो है, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, वर्षा रानी अपने पैरों में बूंदों की पायल पहन करके उसे चमका रही है। कहने का मतलब वर्षा ऋतु आने पर जगह जगह वर्षा की बूंदे गिरने लगी है, जो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो किसी की पायल हो। और आज चालू हो गई है झिंगूरों की शहनाई अविराम। और जब वर्षा ऋतु आती है तो आपने इधर उधर झिंगूरों को भी देखा होगा, और झिंगूरे अजीब सा साउंड निकालते हैं, अजीब सी ध्वनि निकालते हैं। तो वो ध्वनि कैसी प्रतीत हो रही है? मानो किसी ने अविराम बिना रुके शहनाई बजाना प्रारंभ कर दिया हो, एक संगीत बजाना प्रारंभ कर दिया हो किसी संगीतकार ने। तो संगीतकार का प्रतीक यहाँ पे कौन है? झिंगूर। और संगीत क्या प्रतीक है? उन झिंगूरों से होने वाली ध्वनि, ठीक है बच्चों? और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और जहां ग्रीष्म ऋतु में खेतों में या वन में चारों ओर सूखा ही सूखा था, वर्षा ऋतु आ जाने पर वहां पर मोर जो है वो अपनी ध्वनि से उस जो वन है उसको शोभायमान करने लगे हैं, वो नाचने लगे हैं बादलों की ध्वनि सुनकर के, बादलों का शोर सुनकर के वो वन में अपनी ध्वनि निकालने लगे, पीहू पीहू की और नृत्य करने लगे हैं। और आज आ गई वापस जान दूब के झुलसे शिराओं के अंदर। जो दूब अर्थात घास के मैदान या घास या छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे, वो ग्रीष्म ऋतु आ जाने पर, सूर्य का ताप अधिक हो जाने पर जो सूख गए थे, उनमें भी वर्षा की बूंदे पड़ने पर जान आ गई है, हरियाली आ गई है उनके अंदर भी। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर, और ऐसा लग रहा है मानो ग्रीष्म ऋतु अपना सारा सामान समेट करके, अपनी सारी चीजों को लेकर के यहाँ से विदा हो गया है। क्योंकि किसका आगमन हो गया है बच्चों? वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। और वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा गई है। ग्रीष्म ऋतु से उत्पन्न जो एक प्रकार से सूखा उत्पन्न हो गया था ग्रीष्म ऋतु से, वो वर्षा के आने पर सारा सूखा दूर हो गया है, और प्रकृति ने चारों ओर हरियाली की एक चादर ओढ़ ली है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज कौन विदा हो गया है? ग्रीष्म अपना सारा साजो सामान समेट करके यहाँ से विदा हो गया है, ठीक है? ये हमारी पहली कविता थी। अब दूसरी कविता है उषा की लाली। बच्चों पहली कविता हमने पढ़ी कल और आज, अब नागार्जुन की दूसरी कविता है उषा की लाली।
उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आवाज दे रही है से कवि से दूर नहीं होना चाहता है। बच्चों यहाँ पे कवि का प्रकृति प्रेम झलका है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे उगते हुए सूर्य से जो प्रकाश प्रकृति में चारों ओर फैल जाता है उस प्रकाश को लेकर के कवि के मन में क्या क्या संवेदनाएं उठती है या क्या क्या वो चाहता है वो क्या नहीं चाहता है ये सब उसने दर्शाया है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो, उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। यहाँ पर जो कवि है वो कहाँ पर है, वो हिमगिरी अर्थात हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बैठा हुआ है और हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बैठे हुए वो सूर्य उगते हुए सूर्य के दर्शन कर रहा है। ठीक है, तो जब उगता हुआ सूर्य होता है यानी सूर्य जब उगता है उस समय चारों ओर किस प्रकार की केसरी रंग की आभा छा जाती है, हल्के नारंगी रंग का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, हल्का सा गुलाबी रंग का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, तो उस गुलाबी रंग के उस सुनहरे रंग के प्रकाश पड़ने से हिमगिरी यानी हिमालय की जो चोटियां हैं वो निखर गई हैं, मतलब उनके ऊपर प्रकाश पड़ने से वो सोने जैसे प्रतीत हो रही है, स्वर्ण जैसे प्रतीत हो रही है। ठीक है, और उन पहाड़ियों में आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, तो वैसे वैसे वहां की छवि बदलने लगती है, मतलब जो हिमगिरी के ऊपर हिमालय पर्वत के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी सुबह होते ही अर्थात सूर्य उदय होते ही जो सुनहरी रंग की किरणें थी वो धीरे धीरे और तेज होती हैं और प्रचंड होती जाती हैं, और जैसे जैसे वो प्रचंड होती हैं वैसे वैसे ही उसकी छवि बदलने लगती है, मतलब धीरे धीरे वो परिवर्तित होने लगते हैं, और ऐसे परिवर्तन को देख कर कवि अपलक यानी बिना पलक झपकाए उस दृश्य को देखने लगता है। उसको इतना मनोरम इतना मनोहारी लगता है वो दृश्य कि उसकी आंखें नहीं झपकती है, वो पलके नहीं झपका पाता है ऐसे दृश्य को देख करके। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा जाए ना बिखर जाए ना बिखर। कवि को ये डर लग रहा था कि जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा जैसे जैसे सूर्य आसमान में आगे आएगा वैसे वैसे जो पहाड़ों की जो छवि है या पहाड़ों पर फैला हुआ जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कवि यही सोच रहा है कि उसे डर था मन में कि कहीं ये दृश्य समाप्त ना हो जाए, अर्थात कहीं ये दृश्य रुक ना जाए, ये दृश्य और आगे बढ़ ना जाए। हिमालय के पर्वतों पर जो बर्फ बच्चों आपने देखी होगी कभी किसी फिल्म वगैरह में भी देखी होगी आपने, तो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ होती है वो सूर्य के आने पर धीरे धीरे पिघलने लगती है, तो कवि नहीं चाहता कि सूर्य के प्रकाश पड़ने से या सूर्य की ताप बढ़ने से जो सौंदर्य पहाड़ों पर बना हुआ है वो सौंदर्य कम हो जाए। ठीक है, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो सूर्योदय की जो लाली उषा यानी सुबह हो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम के अंदर भले हो उठे थे हिमगिरी के कनक शिखर, बहुत सुंदर हो गए थे हिमालय पर्वत के वो शिखर जो कि सोने के जैसे प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, तो भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर, हिमालय पर्वत की वो चोटियां सूर्य का प्रकाश पड़ने पर कैसे सूर्य के उगते हुए सूर्य के प्रकाश पड़ने पर निखर जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं, और ऐसे दृश्य को कवि अपनी आंखों में बंद करके रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि प्रकृति का ऐसा सौंदर्य समाप्त हो जाए और उसकी जो आशाएं बंधी हुई है प्रकृति के सौंदर्य को देखने से वो रुक जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ 8 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।